नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ हो रही है। इसी बीच एआईसीसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे सांसद मणिकम टैगोर सहित कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस इन सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई है। We are not allowed inside the AICC office and the police misbehaved with us and they are taking to unknown position and we feel that the force of Amit Shah can't stop us. Today we came to the AICC, myself, Punia ji, Nizamuddin, or Meena ji, all. We are all there. We are not allowed inside the AICC office, and the police misbehaved with us, and they are taking to unknown. And we feel that the force of Amit Shah can't stop us. Today we came to the AICC. Myself, Punia ji, Nizamuddin. Or Meena ji, all we are all there. We are not allowed inside the AICC office, and the police misbehaved with us, and they are taking to unknown position. And we feel that the force of Amit Shah can't stop us. Today we came to the AICC. Myself, Punia ji, Nizamuddin. राहुल गांधी से पूछताछ का दूसरा दिन है। इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी नेता दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने सभी नेताओं को रोकना भी शुरू कर दिया है, और यही कारण है कि आज राजस्थान से कूच कर रहे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बॉर्डर पर ही रोक लिया गया, जहां से दिल्ली पुलिस की ओर से जो सभी नेता थे उनको रोक लिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सांसद मणिकम टैगोर को भी हिरासत में लिया गया है। तो कांग्रेस के कई बड़े नेता जो दिल्ली में हैं या दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, या तो उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है या फिर हिरासत में लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी इस मामले को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया कि ईडी किसके दबाव में आकर कार्य कर रही है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। आज शहर से लेकर गांव तक तनाव का माहौल है। तो आज ईडी से पूछताछ का जहां एक तरफ दूसरा दिन है, तो वहीं अगर बात की जाए तो कई कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे।